तो दोस्तों आज की वीडियो में हम BSF का फॉर्म देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम BSF का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है इसके बारे में बता दूं, अगर आपने PCM की हुई है तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने आर्ट्स से प्लस टू की हुई है तो आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है आज की वीडियो में हम यही सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, recruitment.bsf.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको यहां पर जो जो चीज़ें भरनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका फॉर्म आपको यहाँ पर फिलअप करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, और इस दूसरे डब्बे में आपको अपने फादर का नाम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है फादर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, सेंटर एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट में हैं या कुछ अदर काम करते हैं। तो आपके पिताजी जो भी करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्राइवेट। इसके बाद मदर्स, तो यहाँ पर आप अपनी माता का नाम डाल दीजिए। तो मैं अपने फ्रेंड की माता का नाम डाल देता हूँ, BIMLA। इसके बाद मेल या फीमेल, आप पुरुष हैं तो मेल और महिला हैं तो फीमेल। और यहाँ पर कम्युनिटी, यानी कि आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है, जनरल हैं तो UR, SC हैं तो SC, ST, OBC, जो आप चूज कर सकते हैं, आप जो हैं वो कर दें। तो मेरा फ्रेंड SC है, मैं SC कर देता हूँ। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो मेरे फ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1996। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको महीना सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको दिन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, स्पेशल एज रिलेक्शन रिक्वायर्ड, अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो ये ऑप्शन है जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो आप अगर यहाँ से रिलेटेड हैं तो इसे यस कर दीजिए, अन्यथा इसे नो कर दीजिए। और दूसरा ऑप्शन है, क्या आप पंजाब में जो दंगे हुए थे या गुजरात में दंगे हुए थे उनके विक्टिम हैं, तो यहाँ आप इन दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वो ऑप्शन नहीं है जो SC ST को छूट मिलती है, वो वाला ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप SC ST के अनुसार छूट लेना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ पर पहले नो कर दीजिए, SC ST वाला छूट वाला जो ऑप्शन है वो आपका आगे आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है, ठीक है, तो इंडियन है तो इंडियन, था अदर कर दीजिए, तो यहाँ पे इंडियन कर दीजिए आप। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट में पूछा हुआ है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे मैरिड हैं तो मैरिड, या फिर अनमैरिड, या फिर विधवा के लिए विंडो, ठीक है, डिवोर्स के लिए ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड अनमैरिड है, मैं अनमैरिड कर देता हूँ। इसके बाद आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप कर सकते हैं, तो मैं हिंदू कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है, तो मैं अपने फ्रेंड के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालिए जो आपकी खुद की हो, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर वेरिफिकेशन जो पासवर्ड हैं वो आपके आएंगे, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आएगा। तो ये दोनों ही आपको आगे इस फॉर्म में सबमिट करने होंगे, तभी ये फॉर्म आगे अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपके खुद के होंगे तो आप इन्हें आसानी से प्राप्त कर लेंगे, या आप किसी दूसरे का डाल देंगे तो फिर आपको किसी और से पूछना पड़ेगा, इसलिए आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिए। इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये जो डिटेल हमने यहाँ पर डाली है ये यहाँ पर दिखा देगा, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। ये चेक करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी ओर से तो सही इन्फॉर्मेशन डालते हैं लेकिन वो गलती से गलत डल जाती है, तो अगर आप बाद में उसे चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज नहीं होती है, इसीलिए आप इन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कोड आपको दिख रहे हैं ये एज इट एज इस डब्बे में आपको डाल देने हैं, ठीक है। तो E छोटा है, FB छोटा है, A छोटा है, N छोटा है और H छोटा है, ये सब छोटे हैं तो यहाँ पर छोटे ही डालिए। इसके बाद कन्फर्म एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये मैसेज आएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पे दिए हुए हैं 036 21 33, ये हैं, ठीक है। और जो पासवर्ड है यहाँ दिए हुआ है, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंट योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो जो पासवर्ड और जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं ये आपकी ईमेल आईडी पर भी चले जाते हैं, और आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर भी चले जाते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक पर भी जाकर आप अपने जो पासवर्ड हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो पासवर्ड है वो कैसे मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये ईमेल आईडी अपनी खोल ली है,
तो इस प्रकार का मैसेज आपको अपनी ईमेल आईडी पर मिलेगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखा देगा ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं और ये आपका पासवर्ड है। तो ये बिल्कुल एज इट एज पासवर्ड डालना है आपको, ए छोटा है तो छोटा, टी बड़ा है तो बड़ा, तो के छोटा, इस प्रकार से डालने हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अभी फिलअप करने हैं। तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए किसी कॉपी पेन के द्वारा और उसके बाद आप फिलअप कर दीजिए। तो इसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ क्या प्रोसेस करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक हेयर पे। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर हैं 036 21 33 ये यहाँ पे डाल देने हैं, 036 21 33। ठीक है, और इसके बाद हमारे जो पासवर्ड थे ये रहे ATK। ठीक है, हम इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको ताकि हमें आसानी से ये दिखाई दे जाए, और इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो अब हम डाल देते हैं ए, टी बड़ा है और के छोटा है, फिर 2, फिर 1, फिर एम बड़ा है, फिर एफ छोटा है और 4। और ये जो पासवर्ड है ये एज इट एज इस डब्बे में आपको डाल देना है, वी 4, जेड बड़ा है और आर छोटा है और वी बड़ा है, और इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये ऑप्शन आ जाएगा ओल्ड पासवर्ड, इसके बाद आपको ये नया पासवर्ड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ओल्ड पासवर्ड में तो आपको क्या करना है, आपको यही पासवर्ड डालना है जो ये पासवर्ड दिया हुआ है ओल्ड पासवर्ड, ये एज इट एज डाल देना है आपको, ए छोटा, टी बड़ा, के छोटा, 2 1, एम बड़ा और एफ छोटा और 4। इसके बाद न्यू पासवर्ड में आपको देखिए एक इंग्लिश का अक्षर होना चाहिए जो कैपिटल एन की बड़ा हो, उसके बाद कोई भी नंबर हो, ठीक है, और स्पेशल करेक्टर हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डालना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस प्रकार से आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आपको ये फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने नए पासवर्ड बनाए हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, 036 के बाद क्या था 2133 है, तो यहाँ पे 2133 में डाल देता हूँ, और जो पासवर्ड मैंने बनाए थे वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और ये आपको एज इट एज यहाँ पर डाल देना है, बी छोटा है, एन बड़ा है, ओ छोटा, फिर बी छोटा और वी बड़ा, इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आएगी, देखिए ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो एक तो फॉर्म है हेड कॉन्स्टेबल RM, दूसरा फॉर्म है हेड कॉन्स्टेबल RO। ठीक है, तो आप जिसके लिए क्वालिफाई हैं वो डिटेल आप देख लीजिए, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। या फिर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड और डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं व्यू, देखिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट ये व्यू दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी आ जाएगी, जो जो क्वालिफिकेशन है या फीस कितनी है या क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी है, लास्ट डेट क्या है, सभी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, ये देखिए दी हुई है। ठीक है, ये है हेड कॉन्स्टेबल RM यानी कि रेडियो मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए हमें फ़िलहाल फॉर्म भरना सीखना है, तो हम चलते हैं वापस यहाँ होम पे। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आएगी, आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप यूज़र इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे कि किस प्रकार से ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है। ये देखिए ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन है इन इंस्ट्रक्शन की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही आपको फॉर्म ऑनलाइन करना बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइएगा। तो ये सब करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, Part 1 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है यहाँ अप्लाई पे। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आएंगी कि सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल डालनी है, फिर एड्रेस डालना है, फिर अदर डिटेल डालनी है, फिर एजुकेशन डिटेल, फिर डिक्लेरेशन और फिर अपलोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई फॉर द पोस्ट एज, तो आप
किस पोस्ट के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट के द्वारा या डिपार्टमेंटली के द्वारा। तो अगर आप ऑलरेडी BSF में हैं तो यहाँ डिपार्टमेंटली कैंडिडेट क्लिक कीजिए, और अगर आप किसी भी सरकारी जॉब में नहीं हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफाई डायरेक्ट एंट्री कोटा, तो डायरेक्ट एंट्री कोटा के अंदर आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, यहाँ पे आपको करना है डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अगर यहाँ आप कोई एम्प्लॉयमेंट्स डालते हैं तो यहाँ आपको यस करना होगा, आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो यस करने के बाद आपको ये ऑप्शंस यहाँ देखिए, जैसे आप यस करेंगे एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये आपको फिलअप करना है। तो अगर आप कहीं पर भी सरकारी जॉब में कार्य नहीं करने हैं कर रहे हैं तो आपको इसे नो ही रहने देना है, इसको यस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपके शरीर पे कोई निशान है, दो निशान वो आपको डालने हैं, ये निशान ऐसे होने चाहिए जो थोड़े लंबे समय तक रहें, जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होती 1-1.5 साल तक वो निशान रहना चाहिए, क्योंकि इतना तो टाइम लग जाता है आजकल हर भर्ती के अंदर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरे फ्रेंड के जो मार्क्स हैं, ए मॉल ऑन द RIGST राइट HANDY एंड FINGER। इसके बाद दूसरा है कट MAR के मार्क ऑफ NEAR नियर LEFTEYI। इस प्रकार से आपके शरीर पे जो निशान है वो आप यहाँ पे भर दीजिए, दो निशान, इसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जो जो डिटेल हमने डाली है यहाँ पर दिखा देगा, डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट, हम किसी गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं हैं और हमारे जो निशान हैं ये दिखा दिए हैं। इसके बाद आपको कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए पिन कोड नंबर, आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड का जो एड्रेस है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, 123401। इसके बाद स्टेट, आपका स्टेट यहाँ ऑटोमेटिक्स दिखा देगा, जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे ऑटोमेटिक आपका स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डालनी है। मेरे फ्रेंड की जो डिस्ट्रिक्ट है वो रेवाड़ी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करनी है, आपकी तहसील कौन सी है, रोहड़ाई, रोहड़ाई तहसील है, और जो गांव है वो भी रोहड़ाई है, RoH RAI। और जो एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि गली नंबर हो या फिर वार्ड नंबर हो, हाउस नंबर हो, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस डालने के बाद आपको क्या करना है, आपका पोस्ट ऑफिस जो पड़ता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो ये है रोहड़ाई, रोहड़ाई है पोस्ट ऑफिस। इसके बाद आपको पुलिस स्टेशन डालना है, तो मेरे फ्रेंड का जो पुलिस स्टेशन है वो भी रोहड़ाई है, RoH RAI रोहड़ाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये एड्रेस हमने डाला था ये परमानेंट एड्रेस है, यानी कि आपके जो गांव का एड्रेस है, यानी कि आपके जो आधार कार्ड के अंदर आपका जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और नीचे जो एड्रेस है ये प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि फ़िलहाल वर्तमान में आप कहाँ पर रह रहे हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने गांव के अलावा कहीं और स्थान पर रह रहे हैं तो वो एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, कहीं बाहर कंपनी में काम करते हों या किराए पर रह रहे हों वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप अपने गाँव में ही रह रहे हैं, बाहर नहीं रह रहे हैं, तो आप इसे यहाँ पर यस रहने दीजिए, आपको नो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो ही आपको यहाँ नो करना है और बाहर का एड्रेस यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो चलिए इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है वो सब दिखा देगा, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर, ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे दिखा देगा। इसे आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम भरते तो सही हैं लेकिन ऑटोमेटिक्स गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान से गलती हो जाती हैं, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, तो इसे आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देखिए हाइट, चेस्ट और चेस्ट एक्सपेक्टेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे जितनी हाइट मांगी हुई है उतनी हाइट होनी चाहिए या उसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसे कम नहीं चलेगी, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कितनी हाइट चाहिएगी, ये देखिए यहाँ पे हाइट दी हुई है मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 168 डाल देना है, 168, अगर आपको पता नहीं है कितनी आपकी हाइट है तो आप 168 डाल दीजिए, क्योंकि आप वहाँ पर जाएंगे तो अपने आप वो आपकी हाइट नापेंगे और देखेंगे कि आपकी इतनी हाइट है नहीं है, अगर इतनी है या इससे ज़्यादा है तो ठीक है, इससे कम है तो वो आपको जो प्रोसेस है आगे उस प्रोसेस से बाहर कर देंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है,
इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है चेस्ट अनएक्सपेक्टेड, तो चेस्ट बिना फुलाए कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे चेस्ट दी हुई है मेल की 80 बिना फुलाए और 85 फुलाकर होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको नहीं पता कि आपकी चेस्ट में कितना अंतर है या कैसे नापते हैं, तो 80-85 तो कम से कम आपको डालनी ही है। बिना फुलाए यहाँ पर आप 80 डाल दीजिए और फुलाकर आप 85 डाल दीजिए, यहाँ पे 85 कर दीजिए। बाकी वो आपकी जो हाइट चेस्ट है वो सब दोबारा से नापेंगे, तो वो अपने आप नाप के पता लगा लेंगे कि आपकी इतनी हाइट है या नहीं है, चेस्ट है या नहीं है, वो सब आप अपने ऑटोमेटिक्स वो अपने आप नाप लेंगे। इसके बाद देखिए हाइट रिलेशन रिक्वायर्ड, अगर आप हाइट में छूट चाहते हैं तो यहाँ यस कर दीजिए, अगर नहीं चाहते तो नो। ये छूट देखिए स्पेशल कैंडिडेट्स को दी जाती हैं, जैसे कि SC या ST कैंडिडेट होते हैं उन्हें दी जाती हैं। तो वो आप इंस्ट्रक्शंस इस वैकेंसी में पढ़ लीजिए अच्छे से कि किन्हें ये छूट मिलती है, ठीक है, उसके बाद ही ऐसे नो कर सकते हैं। जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप जो ये छूट है इसके भागीदार नहीं हैं, सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स ही इसके भागीदार होते हैं। इसके बाद आप जो छूट है यहाँ चेस्ट में चाहते हैं तो ये भी वही है, SC ST कैंडिडेट ही यस कर सकता है, अन्यथा इसे नो ही रहने दीजिए अगर आप जनरल से हैं तो। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यहाँ पे देखिए, कई बार क्या होता है कि कई सारे कैंडिडेट्स एज में ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें छूट चाहिए होती है, तो यहाँ आप यस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यस करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन या जो भी है, जिन्हें छूट दी जा सकती है उन सभी के नाम हैं, तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप चूज कर लीजिए। और अगर आप छूट नहीं चाहते हैं तो यहाँ आप नो कर दीजिए, ये ऑप्शन है ये आना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला दिया हुआ है मीडियम फॉर रिटन एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जामिनेशन है वो आप किस भाषा में चाहते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो यहाँ हिंदी कर दीजिए। इसके बाद एंटर एग्जामिनेशन सेंटर कोड, तो ये सेंटर कोड आपको किस प्रकार से देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइन है टू व्यू एग्जामिनेशन सेंटर कोड क्लिक हियर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है श्रीनगर, देखिए ये पहले में है श्रीनगर, दूसरे में है जम्मू, तीसरे में है जालंधर, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सभी दिए हुए हैं, दार्जिलिंग, और यहाँ पर दिया हुआ है असम, ठीक है। तो जो 15 नंबर है देखिए 15 नंबर में दिया हुआ है न्यू दिल्ली, तो मेरा फ्रेंड जो है इसके पास न्यू दिल्ली पड़ता है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा 15 नंबर, तो इस प्रकार से ये सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप 15 पे क्लिक करेंगे ये एड्रेस आ जाएगा, आपने कौन सा एड्रेस सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए हैव यू एवर बीन कन्वेक्ट या डिबार्ड फॉर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट सर्विस, तो इसका मतलब है कि आप किसी सरकारी जॉब में से निकाले जा चुके हैं, तो आप यहाँ यस कीजिए, अन्यथा इसे नो ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद आर यू फ्री फ्रॉम डिबेट एंड नॉट इन्वॉल्व इन सिविल एलिगेशन विच मे रेंडर यू अनसुटेबल फॉर एम्प्लॉय इन BSF। देखिए दोस्तों, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको इंग्लिश थोड़ी कम आती है, अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं आती है, और आपको ये नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मैं आपको सोल्यूशन भी बता देता हूँ इसी वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको इस लाइन को इस प्रकार से कॉपी कर लेना है, ठीक है, कंट्रोल सी दबाकर या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लीजिए इस लाइन को। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट खोल लेना है, वेबसाइट translate.google.com, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी करके, ठीक है, तो इसकी पूरी हिंदी यहाँ पर आ जाएगी। क्या आप ऋण से मुक्त हैं और नागरिक मुकदमेबाजी में शामिल नहीं हैं जो आपको BSF में रोज़गार के लिए अनुपयुक्त प्रदान कर सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है और आप किसी मुकदमे में शामिल भी नहीं हैं, ये चीज़ यहाँ पर पूछी हुई है, तो इसे आप यस कर दीजिए कि मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है, मैंने कोई लोन नहीं लिया हुआ है और ना ही किसी प्रकार का कोई FIR या मुकदमा है, ठीक है, यस कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे जो जो चीज़ें आपने फिलअप की हैं वो सभी यहाँ पर दिखा देगा, तो इन्हें आप एक बार दो बार से ज़रूर चेक कर लीजिए। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को एक बार फिर से आप ज़रूर चेक कर लीजिए, उसके बाद ही कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, क्योंकि बाद में ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, मैट्रिकुलेशन या इक्विपमेंट ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, ठीक है, इसे हम अनसेलेक्ट नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर दो चीज़ दी हुई हैं, 10+2 या इसके बराबर होना चाहिए विद फिजिक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी कि आपके पास PCM है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास सिंपल आर्ट है प्लस टू में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपको राइट करना होगा, अगर आप राइट नहीं करेंगे तो ये फॉर्म आप आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आपके पास 2 साल की ITI है तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको उस स्कूल का नाम डालना है जिस स्कूल से आपने मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं क्लास पास की है, तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ 10वीं क्लास किससे पास की है। तो मेरे फ्रेंड ने जो 10वीं क्लास पास की है वो करी है CRMSRSECSCHOOLROJAWAS रोजावास से, ठीक है। और जो बोर्ड था वो बोर्ड था हरियाणा बोर्ड भिवानी, हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन भिवानी, ठीक है। इसके बाद जो 10वीं है वो किस साल में पास की है, ये यहाँ पे साल डालनी है, तो यहाँ साल आ जाएगा 2011, यहाँ पे मंथ आ जाएगा 1996 ये आ जाएगा मंथ 12वां दिसंबर का महीना आ जाएगा, ठीक है। तो ये साल और महीने डालिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स यानि कि टोटल मार्क कितने थे, तो यहाँ पे थे टोटल 500 में से। इसके बाद नेक्स्ट डब्बे में कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं टोटल में से, तो मेरे फ्रेंड ने प्राप्त किए हैं 387, तो 387 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए स्कूल नेम, यहाँ पर 10+2 की आपको डिटेल डालनी है, PCM वाली डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको स्कूल का नाम डालना है, तो मेरे फ्रेंड का स्कूल का नाम मैं डाल देता हूँ, GOVVT गवर्नमेंट बॉय SRSECSCHOOL स्कूल REWARI रेवाड़ी। और जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी। इसके बाद आपको यहाँ पर साल डालना है और महीना डालना है, तो मेरे फ्रेंड ने जो साल में पास की थी वो 2014 था, और जो महीना था वो था जून का महीना, तो यहाँ पर हम जून कर देते हैं। और वही सिस्टम आपको यहाँ कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो यहाँ थे मैक्सिमम 500 और प्राप्त किए थे 300 नंबर प्राप्त किए थे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे वही सब डिटेल जो आपने डाली है सब दिखा देगा, आपको ज़रूर एक बार इन्हें चेक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ें हमें इस फॉर्म को भरते वक्त ध्यान रखनी है, तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो इन सब को कॉपी करके और गूगल ट्रांसलेट पे पेस्ट कर दीजिए, तो इसकी हिंदी आ जाएगी, तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको इस यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि योर पार्ट वन रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीट हो चुका है, प्लीज़ रजिस्टर्ड पार्ट सेकेंड, आपको सेकेंड पार्ट रजिस्टर्ड करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पार्ट सेकेंड के नीचे जो अप्लाई है इसके ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो फोटो अपलोड का और एक सिग्नेचर अपलोड का, तो आपको क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो फोटो का साइज़ है वो 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फोटो का साइज़ कम या ज़्यादा कैसे करते हैं वो मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में बता रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे जो छोटा सा आइकन निशान दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके भी मेरी वो वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप फोटो का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है, और मेरे फ्रेंड की फ़ोटो है यहाँ पर, मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये फ़ोटो 3.60 KB की है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ओपन पे क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो किस प्रकार से दिखाई दे रही है। इसके बाद ऐसे ही आपको जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने हैं, सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर आपको क्लिक कर देना है, और आपके सिग्नेचर जहाँ पर हैं जैसे कि ये सिग्नेचर रहे, इस पे आपको सेलेक्ट करके ओपन कर देना है और अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपलोड सिग्नेचर पे करेंगे यहाँ पे देखिए आपके सिग्नेचर आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद आपको करना है सबमिट एंड प्रिंट एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप सबमिट एंड प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे लिखा आएगा यू कैनॉट प्रोसेस दिस वे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म भरा नहीं गया है या फिर कोई सर्वर प्रॉब्लम है, ये बल्कि साइट ही ऐसी बनाई हुई है कि ये ऐसे ही दिखाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फॉर्म भरे हैं, ये लास्ट में ऐसे ही दिखाता है आपका जो फॉर्म है वो वैसे कम्प्लीटली भरा जा चुका है, ठीक है।
तो हमें देखना है कि हमारा फॉर्म किस प्रकार से भरा गया है, हमें प्रिंट चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, अगर यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है तो आप यहाँ होम पे क्लिक कर दीजिए, इसके बाद आप अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ आप फर्स्ट या सेकंड, आपको यहाँ सेकंड वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्ट प्रिंट आ जाएगा इस फॉर्म का। ये देखिए, ये आ चुका है, आपने जो जो डिटेल भरी थी वो सभी आ चुकी हैं यहाँ पर। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखा दिए गए हैं, और आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, जो जो डिटेल हैं वो सभी इसने दिखा दी है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये कम्प्लीटली भरा जा चुका है। अब आपको उसका प्रिंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक पॉपअप खुल के सामने आएगा, ठीक है। ये देखिए आ गया है, ये 3 पेज का है, तो आपको क्या करना है, इसे यहाँ से बड़ा कर लेना है। ये देखिए 3 पेज दिखा दी है, 4 पेज का है, सॉरी 4 पेज का है। आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप पे इसे सेव करना है, तो आप डेस्कटॉप पे जाइए, और डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पर इस फॉर्म का नाम डाल दीजिए, जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है। हमने अप्लाई किया है BSF का फॉर्म अप्लाई किया है, और मेरे फ्रेंड का नाम है रविंदर, RAVINDER, BSF रविंदर फॉर्म, FORM फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ ये नाम डाल के सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली भरा चुका है और यहाँ पर सेव हो गया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा BSF रविंदर फॉर्म, ठीक है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्म आ चुका है। तो ये फॉर्म कम्प्लीटली आपका भरा जा चुका है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी करके आप अपने पेन ड्राइव में से डाल लीजिए, और किसी भी शॉप पे जाके 5 या 10 रुपये देके आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। वैसे आपको प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए इसके रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत होती है, जो कि आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहे, बस आप इस फाइल को ही सेव करके अपने लैपटॉप में या पीसी में रखिए, तो जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा, आप यहाँ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, अगर आप हमारी वीडियो से कुछ हेल्प कर पा रहे हैं अपनी, आप अपना फॉर्म भर पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि आगे ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।